हेलो डॉक्टर राजीव माय गॉड डॉक्टर राजीव आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू आर पिकिंग अप द फोन डायरेक्टली फ्रॉम द योर लैंडलाइन नंबर यस आई एम एट माय माय क्लिनिक गॉड डॉक्टर राजीव यू रिमेम्बर मैं आपके क्लिनिक में आया था आई एम टेलिंग यू आई एम टेलिंग यू द थिंग इज मेरे को ये सिगरेट पीने की आदत थी मेरे को किसी ने कहा था भाई सिगरेट छोड़वाने के लिए डॉक्टर राजीव से अच्छा बंदा कोई है नहीं

मैं दो महीने पहले आपके पास आया था डॉक्टर राजीव इफ यू रिमेंबर मैं दिन बट आई रिम्बर लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा। okay, fault, ना. मैं आपके पास आया था आपको पता नहीं याद नहीं रहा है बीस सिगरेट पीता था मेरी वाइफ भी आई थी मेरे साथ जल्दी में आए थे क्योंकि हमारी शादी होने वाली थी तीन दिन बाद आपको ऑनेस्टली बताऊं डॉक्टर अब आप देखो ऊपर वाले के हाथ में आई है तो सब कुछ लेकिन मेरे को है डॉक्टर राजीव ने मेरी सिगरेट की आदत अगर काम करवाई है मैं दिन में तीस तीस सिगरेट पीता था आपको याद है कुछ हाँ मुझे याद है मुझे अच्छी लगा फिर आपने कहा था कि वादा करो यू ऑलवेज स्मोक सिगरेट आफ्टर अ मील खाने के बाद सिर्फ सिगरेट पियोगेम्बर और सर यकीन करना डॉक्टर साहब आप हमारे एक रिश्तेदार उन्होंने कहा था कि सिगरेट छुड़वानी है तो डॉक्टर राजीव के पास जाओ वरना फैमिली खुद के बहुत बड़े इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े आप उनके पैर की जूती भी नहीं हो लेकिन आप ये मोहब्बत देखो ना मेरे को किसी ने बोला डॉक्टर राजीव के पास जाओ मैंने कहा फैमिली डॉक्टर है हमारे डॉक्टर छावड़ा फिर मेरे को अगर डॉक्टर छावड़ा मर्सडीज ए वन क्लास है ना mm. आप मारुति की ऑल्टो भी नहीं हो सी एन जी लगी हुई मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ लेकिन ये मोहब्बत की बात होती है जिसने छुड़ाई है सिगरेट भाई उसकी तारीफ करनी पड़ेगी ना बोले गो टू डॉक्टर राजीव मैंने कहा डॉक्टर छाबड़ा आपने है फिर भी मैं आपके पास आया और आप इस बात का यकीन कर रहा मतलब कैसे कंपेयर करूँ अगर डॉक्टर छाबड़ा मान के चलो ना बहुत इंटेलिजेंट है है ना mm. Mm. तो आप वो mm? बस समझ जाओ मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन स्टिल मैं आपके पास आया बट डॉक्टर साहब आई एम सो थैंकफुल टू यू आपने मेरी सिगरेट की आदत छुड़वा दी नहीं आपने आपने भी कॉल क्यों किया ये बताओ ना मैंने डॉक्टर साहब मैंने इसलिए कॉल किया कि मैं दिन में तीस से सिगरेट पीता था मैंने प्रॉमिस दिया था आपको कि डॉक्टर साहब आपने क्योंकि मुझसे बोला कि खाने के बाद सिर्फ एक सिगरेट पीना आपकी कम हो जाएगी नहीं, नहीं। मैंने उस दिन से तय कर लिया कि खाने के बाद एक सिगरेट पी रहा हूँ तो डॉक्टर साहब आज मेरे ख्याल से आपको याद होगा चार महीने हो गए सिर्फ खाने के बाद yeah, सिगरेट it's a, it's a खाना बनवाता हूँ मैंने कहा खाना बना हैं सिगरेट पीनी है तो तीस बार खाना बनाते थोड़ी नाराज भी हो जाती है बीच में मैंने कहा तेरे को भी डॉक्टर अजीब को दिखाएंगे कोई बात नहीं दिमाग की बीमारियां होती है. यार याँ। याँ। बोल कौन ये तो बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था आपको बोल कौन रहे हो <laughs> डॉक्टर मैं रेडियो मिर्ची आप, से <laughs> कर रहे पहले तो ये बता दूं मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने तो छोड़ दिया सिगरेट मैं अगर सिगरेट